अगला सवाल। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे आपसे एक क्वेश्चन है। आज हम ऐसे फील करें जैसे इंजीनियरिंग क्लास में लड़कियां स्पेशल, क्योंकि हम चंद ही लड़के हैं और ये तुमने चंद बड़ी मजबूरी में कहा है, अल्लाह के साथ ये चंद कहना नहीं चाह रहा था। हाँ। इसमें कहीं ना कहीं आपका साजिश है हमसे बदला लेने के। रजाक भाई अभी पता क्या करते हैं। हाँ। हम चारों उधर बैठते हैं, आप इधर आ जाओ सारे। रजाक भाई उसका कहने का मकसद ये, अक्सर इंजीनियरिंग की क्लासेस में ना इतने लड़के बैठे होते हैं और ये गिनती की खवातीन बैठी होती हैं, मगर उल्टा हुआ भाई आज तो। ये कह रहा आपने बदला तो नहीं लिया इंजीनियरिंग का? नहीं बेटा, ये बड़े किस्मत वालों को ये दिन मिलते हैं। अच्छा अगला सवाल, आखिरी सवाल लेंगे हम, किसके पास है? अनफाल, अनफाल बेटा एक सेकंड, एक सेकंड माइक करीब रखना। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे भी तो बाहर, मैं भी तो आया हूँ, खड़े तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, फ्रेम नहीं बन रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हो तुम? जी सर बिल्कुल ठीक। क्या करती हो? सर मैं बीएस फिजिक्स कर रही हूँ और मेरा अली भाई से क्वेश्चन है कि सर आपने शादी क्यों नहीं की? शर्मा अब मुझे ये बताएं कि ये हारना मना है या कोई शादियों कराने वाली माई का प्रोग्राम है ये? मैंने देखो, मैंने अच्छा उनको अंकल बोला कि तब आपको कोई शिकायत? मुझे अली भाई बोला गया, मुझे कोई शिकायत होनी भी नहीं चाहिए, आपका बनता नहीं है। अच्छा। आप लेकिन उनको जवाब दो, मैंने थोड़ी रखा है उसका, खुद का सवाल, बड़ा कसम का आपका अपना सवाल है ना ये, आपके दिल में था ना ये सवाल? आप कब से इन्हें देख रही हो? आप सोचती होगी यार इस लड़के की शादी नहीं, ये जवाब दे दिया आपने, वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा अनफाल, इनके मुंह से हम नहीं निकाल पाए जवाब, कुछ है, कुछ है।